कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनी बडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, पीसीसी अध्यक्ष है चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी, नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी। इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्या ऐसे हालात में कांग्रेस के पास ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि वो अलायंस में ना जाए आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब कांग्रेस? देखो बात ये है, अलायंस में जाए नहीं जाए ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, मेरी बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं अपनी भावनाएं मंच से या टीवी पर नहीं बता सकता, मैं अपनी भावनाएं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा और जनता की भावना, बिकॉज मेरी जो ड्यूटी बनती है बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, ना कि मैं अपनी भावनाएं और अपनी भावनाएं लोगों के ऊपर जहां पार्टी के ऊपर थोपूं, जनता की कांग्रेस वर्कर की भावनाएं और जो मेरी निजी राय है वो भी मैं जाकर पार्टी को दूंगा अगर वो मेरे से पूछेंगे। और मैं सच कह रहा हूं आज भी आपको, टिल टूडे, आज का पता नहीं, अभी तक मेरे को मेरी पार्टी के लीडर किसी ने नहीं कहा, पता नहीं क्यों लोग मंच पे चढ़ के ऐसी बात करते हैं, कि हमें अलायंस करना है, हमने सीटों का बंटवारा करना है, ऐसी कभी चर्चा अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आज हो सकता है ना हो, और मेरे को जिस प्रकार का जो मैसेज पहले दिया हुआ गया मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं कि 13 की 13 सीटों पर। लेकिन ये चर्चा तो सर कभी ना कभी होगी, बहुत सारे लीडर्स ने आपके अलायंस नहीं होना चाहिए। नो नो, मैं कब कह रहा हूं कि होगी या नहीं होगी, बट टिल टुडे अभी तक चर्चा हुई नहीं। ये मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं कि ये चर्चा होगी और मैं आपसे छुपा लूंगा? जो बात कल जो बात कल को सामने आएगी वो मीडिया के सामने, अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो कल को लोग कहेंगे भाई राजा बड़िंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। बड़िंग साहब, एक कैपेसिटी में आप कई मुद्दे उठाएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से लगातार रिफ्ट देखने को मिल रही है और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया कई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी मुद्दे को। डेफिनेटली इवन डिसिप्लिन जो है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इश्यू है। हम पिछली बार कोई दो राय नहीं है, हमारे हमारे बयान अलग अलग थे, हमारी हमारी एक दूसरे की तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसकी वजह से हमें विधानसभा में नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा जिस परिवार में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जिस धंधे में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और पॉलिटिक्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन 100% डिसिप्लिन। खड़गे साहब ने एक बात कही थी, मैं दोबारा फिर आपके माध्यम से उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है। बी इट एनी बडी, व्यक्तिगत विचार देने हैं तो आपको पार्टी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विचार देने, कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहीं दे सकता कांग्रेस की गरिमा में रहकर, चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष है चाहे कोई फॉर्मर पीसीसी अध्यक्ष है चाहे कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है, उसको गरिमा रखनी होगी, नहीं तो जो डिसिप्लिन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई 101% होगी। पहले भी की है, आगे भी करेंगे।